नीतीश जी महागठबंधन जब से बना है तब से जो हम लोगों का उद्देश्य जो है महागठबंधन सरकार लगातार नौकरी और जाति जनगणना जो हम लोगों का कमिटमेंट था उस दिशा में हम लोग जब काम कर रहे हैं। भाजपा का एजेंडा हम लोग शुरू से क्या बोलते आए हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान कश्मीर, फिर वहीं आगे बिहार को लेकर के। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे। पटना लौटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जमकर बरसे हैं। एक तो तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि ये लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्ष नेतृत्व के नेता यहाँ आए हैं उन लोगों को टास्क देकर गए हैं कि अभी यही मुद्दा चलाना और जब कुछ दिन होगा तो फिर तेजस्वी के घर ईडी और सीबी आएगा कि उसके पास बहुत सारा संपत्ति है। इस तरह की बातें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज मीडिया से कहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर पहुँचे हैं वो लोग जो हैं इन लोगों को टास्क देकर गए हैं और बहुत जल्द जो है तेजस्वी यादव जब जो चल रहा है वर्तमान मुद्दा और जब वो मुद्दा ख़त्म होगा तो फिर तेजस्वी यादव के घर में ईडी और सीबीआई आएगा। इस बात को लेकर तेजस्वी यादव ने जमकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बरसे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से बिहार में लगातार रोजगार की बात है उसको लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, खास करके किस तरीके से बड़ा खुलासा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए इस बात को। ये सब कुछ जो है एक बीजेपी का सोचा समझा साजिश है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं 1.5 साल से ये साजिश जो है चल रहा है। पहले ये लोग बात करते थे कि नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाना है, फिर ये बात करते थे कि नीतीश जी को गवर्नर बनेंगे, फिर दोबारा बात करते थे कि केंद्र मंत्री बनाया जाएगा, एमपी राज्यसभा भेजा जाएगा, इस तरह की बातें होती रही हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें बीजेपी माइंडसेट के जो लोग हैं ये इस तरह का साजिश जो है कर रहे हैं लोग। तो हम लोग नीतीश जी महागठबंधन जब से बना है तब से जो हम लोगों का उद्देश्य जो है महागठबंधन सरकार लगातार नौकरी और जाति जनगणना जो हम लोगों का कमिटमेंट था उस दिशा में हम लोग जब काम कर रहे हैं तो फिर से ये लोग जो है साजिश रच रहे हैं। और साजिश रचने में ये लोग क्या क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और कौन कौन लोग हैं इसमें भी हम लोग अच्छे से मुख्यमंत्री जी हम लोग पहचानते हैं। आप देखिएगा कि महागठबंधन के दो शीर्ष नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, और शीर्ष नेतृत्व हम लोग सब लोग मिलकर के महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था, दोबारा बना है। तो बीजेपी को 2024 का जो है वो डर है, और आप लोग जान रहे हैं कि बिहार की जनता माननीय लालू जी के साथ है और नीतीश जी के साथ है, और कुछ लोग जो बयानवीर जो नेता जो चर्चित आजकल हो रखे हैं उसके साथ जनता थोड़ी ना है। जनता जो है वो केवल लालू जी और नीतीश जी के साथ है। और आपको हम बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको सिखाया है कि विवेक और धैर्य भी मजबूती है, ताकत है। हम लोग धैर्य रखने वाले लोग हैं, विवेक से काम करने वाले लोग हैं, और इनकी साजिशों का हम सब लोगों को पता है कि भाजपा जो है ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अब जाति जनगणना के बाद एक एजेंडा जो है बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है पकड़ी हुई है, भाई पकड़ी हुई है। हम मानते हैं कि ठीक है, देश का सबसे पवित्र आप किताब कह लीजिए ग्रंथ कह लीजिए देश किससे चलता है। मेरा मानना है कि देश का जो संविधान है वो सबसे पवित्र किताब है, और देश जो है संविधान से चलता है, और इस संविधान में सबको आज़ादी है कि भाई अपनी बात वो रख सके। लेकिन संविधान ये भी बताता है कि यहाँ हर धर्म का मान और सम्मान जो है किया जाना चाहिए। तो हम लोग हर धर्म का मान और सम्मान करते हैं, इसमें कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है।
कौन क्या कहता है नहीं कहता है, हम लोग इन चीज़ों पर जो है ज़्यादा गौर नहीं करते, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा क्या है? शिक्षा है। मुद्दा क्या है? रोज़गार है। मुद्दा क्या है? महंगाई है। मुद्दा क्या है? बिहार की तरक्की है, लोग आगे बढ़ें, ये हम लोगों की बात होनी चाहिए, चर्चा इस पे होनी चाहिए। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि चर्चा भैया ना महंगाई ना बेरोज़गारी, इस पे कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा? तो हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, और ये सब सारी बातें सब ठीक है। जो लोग अपना एजेंडा तय कर रहे हैं, अभी तो ये चलेगा, अभी चल रहा है एजेंडा। क्या भाजपा का एजेंडा? हम लोग शुरू से क्या बोलते आए? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान कश्मीर, फिर वहीं आगे बिहार को लेकर के एक बड़ी तैयारी चल रही है कि इसी पे रखा जाए। बीजेपी के कुछ शीर्ष नेता आए थे ना यहाँ, एक दो यही ट्रेनिंग दे के गए हैं। यहाँ जो बीजेपी शासित जो भी लोग हैं, बीजेपी में जो विश्वास रखते हैं या बीजेपी माइंडसेट की मीडिया है, लोग लगे